नमस्कार साथियों, जाने माने राजनीति कर्मी, विचारक और संपादक किशन पटनायक जी पर इन दिनों जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से एक आग्र चल रहा है। आज इस एकाग्र की यह तीसरी कड़ी है और इसमें हमारे साथ हम सभी के प्रिय लेखक और वरिष्ठ रचनाकार प्रयाग शुक्ल जी उपस्थित हैं। मित्रों, प्रयाग शुक्ल जी किशन पटनायक जी की चहुमुखी सक्रियता पर बात करेंगे और उनके लेखन पर भी अपनी बात रखेंगे। किशन पटनायक जी का लेखन, उनके विचार आज की तारीख में किस तरह प्रासंगिक हैं, इसकी बात भी होगी। और स्वयं प्रयाग शुक्ल जी की उनसे जुड़ी हुई यादें, जो दिल्ली की हैं, उड़ीसा की हैं, बंगाल की हैं, अन्य जगहों की हैं, इस पर भी चर्चा होगी। पिछली दो कड़ियों में हमने किशन पटनायक जी के राजनीतिक कर्म पर, विभिन्न आंदोलनों के साथ उनके जुड़ाव पर और समाजवाद से जुड़ी पत्रिकाओं के संपादन और उसमें बतौर लेखक उनके योगदान पर बातचीत की, और अरविंद मोहन जी को और गंगा प्रसाद जी को सुना। आज भी ये सभी चर्चाएं होंगी, मगर इसके अतिरिक्त एक विचारक के भीतर का कवि किस तरह का है, इसकी भी चर्चा होगी। और एक राजनीति कर्मी साहित्य और अन्य कला माध्यमों के साथ कैसा जुड़ाव रखता है, कैसी गति रखता है, इस पर भी आज हम प्रयाग शुक्ल जी को सुनेंगे। मगर उन्हें बुलाने से पूर्व, जब किशन पटनायक जी के साहित्य प्रेम पर बात निकली है, तो आप में से कई लोग जानते हैं कि वे जब तब कविताएं भी लिखा करते थे। तो शुरुआत क्यों नहीं किशन पटनायक जी की लिखी एक कविता के पाठ से ही करें, और फिर हम प्रयाग शुक्ल जी को आमंत्रित करें। तो मैं किशन पटनायक जी की एक कविता यहां पर रखता हूं, मृत्यु वंदना। कवि मृत्यु की वंदना कर रहा है और उसके बहाने क्या क्या बातें लिखता है, किस तरह से अपनी इस कविता में अपने हृदय को उड़ेलता है, यह सुनते हैं। मूल रूप से किशन पटनायक जी ने अपनी यह कविता ओड़िया में लिखी, जिसका ओड़िया से हिंदी में अनुवाद प्रीतिश आचार्य जी ने किया। तो आइए पहले यह कविता सुनते हैं, किशन पटनायक जी की मृत्यु वंदना। सुनाता हूं। हे मृत्यु, मेरे परम देव, जीवन के चरम साथी, तुम्हारे इशारे पथ पर या विपथ पर चलता हूं दिन रात। हे मृत्यु, मेरे परम देव, जीवन के चरम साथी, मृत्यु के लिए कभी कह रहा है, जीवन के चरम साथी, तुम्हारे इशारे पथ पर या विपथ पर चलता हूं दिन रात। पहचाना है इस भंगुर जीवन में, प्रियो में तुम ही प्रियतम। पहचाना है इस भंगुर जीवन में, प्रियो में तुम ही प्रियतम। तुम हो उस
अंतिम मिलन के क्षण, जीवन के श्रेयतम, तुम्हारी गोद में करने को आत्मा को निमग्न, जीवन में जगी है अनंत प्रेरणा, देख लो वह आयोजन, तुम्हारी गोद में होने को योग्य जागृत हुई अनंत तृषा, पल पल मेरे प्राण की लालसा धारणे मोहिनी वेश, डरा नहीं अतल सागर में डूब, डरा नहीं अतल सागर में डूब लाने को मुक्ताओं का ढेर, आकाश में पहुंचा हूं बनाने अपना घर, तारों की वेशभूषा, मेरे जीवन का एक ही अभिप्राय, तुम हो मेरे प्रियतम, मेरी समस्त साधना रुचिर वेश में ले तुम्हारा चुंबन, मेरी समस्त साधना रुचिर वेश में ले तुम्हारा चुंबन। तो इस बेहद महत्वपूर्ण और सार गर्भित मार्मिक दर्शन परक कविता को हम लोगों ने सुना और किशन पटनायक जी के एक दूसरे रूप को भी जाना और समझा, और आज प्रयाग शुक्ल जी के माध्यम से हम उनके इस रूप को कुछ और गहराई से समझेंगे। मित्रों, आप सभी की ओर से मैं प्रयाग शुक्ल जी का हार्दिक अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे नमस्कार किशन पटनायक जी पर केंद्रित अपना यह वक्तव्य आरंभ करें और शुरुआत से ही बातचीत आगे निकले, किस तरह पहली भेंट होती है और किस तरह एक दूसरे को जानना समझना होता है, क्या क्या चीजें प्रयाग शुक्ल जी किशन पटनायक जी की लिखी हुई पढ़ रहे थे आदि आदि। जी स्वागत, सबको मेरा नमस्कार। अर्पण जी, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप किशन जी पर भी आप ये कार्यक्रम कर रहे हो। और आपने कविता सुनाई आरंभ में, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि किशन जी का ये पक्ष जरा कम लोगों को कम मालूम। किशन जी पर आऊं उससे पहले मैं याद करूंगा अशोक सिकसरिया की, क्योंकि उनके कारण भी किशन जी से लगभग जब तक किशन जी रहे मेरा संबंध किसी न किसी रूप में बना रहा। भेंट तो उनसे दिल्ली में हुई थी मेरी पहली, और वो दिन थे सन 60 का दशक, आप जानते हो कितना महत्वपूर्ण था हम सबके जीवन में, हमारी पीढ़ी में के लोगों के लिए, कुछ जो हमसे पहली पीढ़ी के थे उनके लिए वो बहुत गहमा गहमी वाला दशक, और तब जीवन भी कुछ और तरह का था, मतलब आज की तरह की गहमा गहमी तो नहीं, एक दूसरे से मिलना बहुत सारा समय बिताना भी ज्यादा सुलभ था। तो पहली भेंट किशन जी से कैसे हुई थी ये तो याद नहीं है मुझे, लेकिन ये जरूर याद है कि वो 60 के दशक के मध्य में हम लोगों को मिले, अशोक सिकसरिया को मिले, मुझे मिले, कमलेश जी को मिले, श्रीकांत वर्मा को मिले, रघुवीर सहाय को मिले, और वो न जाने और कितने लोगों को मिले जो लिखने पढ़ने की दुनिया के थे, राजनीति की दुनिया के थे, कार्यकर्ता थे, पत्रकार थे या किसी और प्रोफेशन में थे, और सबको किशन जी बहुत भाए, हम सब लोगों के भी बहुत भाए उनसे। उनके बारे में जब भी मैं सोचता हूँ उनकी वो छवि मुझे सबसे पहले याद आती, धोती कुर्ते में एक सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति, लेकिन जिसमें एक सम्मोहन भी था, किशन जी में एक सम्मोहन था। वो सम्मोहन क्या था? सम्मोहन जाहिर है कि जब हम आज उसके बारे में सोचते हैं तो नैतिक बल का सम्मोहन। मैं अपने जीवन में जिन लोगों से मिला हूँ और बहुतों से मिला हूँ आप जानते हो, और अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिला हूँ,
और सब में बहुत गुण रहे हैं, सब अपनी अपनी तरह से, सब बहुत गुणी लोगों से मिला हूँ। एंड आई रियली फील ब्लेस्ड कि मैं अपने समय के तमाम उन लोगों से, अलग अलग माध्यमों में काम करने वाले लोगों से अपने जीवन में मिला, उनका प्रेम मुझे मिला। किशन जी भी उन्हीं में से एक, लेकिन जिनके बारे में ये लगता है कि अलग से बात ध्यान में आती कि राजनीति की दुनिया का एक व्यक्ति जो बहुत अच्छी तरह राजनीति को जानता है, समझता है, और उसी में वो है, उसका उसकी मुख्य धारा में है। जाहिर है कि डॉक्टर लोहिया से उनका परिचय, उनकी निकटता, उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना, लोकसभा में आना, और उस समय तमाम अखबारों में किशन जी के बारे में छपना, और उनका बोला जो वो बोलते थे वहां, जो प्रश्न उठाते थे, वो काफी चर्चा थी किशन जी। तो बहरहाल उस छवि में ये याद आता है कि किशन जी का वो धोती कुर्ता वाला बाना, दुबला पतला भी नहीं लेकिन बहुत भरा हुआ भी, करीब और थोड़ी सी लंबाई, और बड़ी मिठास मिठास, लेकिन मिठास के साथ एक बड़ी स्पष्टता भी, और एक कह सकते हैं कि एक अंदाज जोड़ा हुआ नहीं, सहज ही बना, कुछ ठहर कर बोलते थे, सोचते हुए बोलते थे, सुंदर बोलते थे। जो बोलते थे वो लगता था कि उसके पीछे कोई विचार है, उसके पीछे कोई एक ऐसा खड़ा हुआ नहीं, सहज ही मर्म भरा, कोई सुंदर सा एक जीवन का, जगत का, माध्यमों का, चीजों का एक आकलन है। ये बराबर उनके साथ मुझे लगता था, और आज उसकी याद और अधिक आती, तो उनके प्रति मैं भी बहुत आकर्षित हुआ। और ये दिखाई पड़ा मुझे, क्योंकि उसको आप समझ जाते हो, कि किशन जी को भी मैं कहीं न कहीं किसी कारण से उनको किसी रूप में ऐसा व्यक्ति लग रहा हूं जिससे वो जुड़ना चाहे। ये भी मैं लोगों का भाग्य ही था कि हमको एक ऐसा व्यक्ति मिला। अब किशन जी के बारे में जब मैं और सोचता हूँ तो कुछ चीजें और भी ध्यान में आती हैं, जिनमें से एक ये है कि कल्पना ने मेरा जीवन बदला। कल्पना पत्रिका ने, मैं 23 वर्ष की उम्र में वहां पहुंचा था, तो किशन जी के बारे में भी काफी कुछ सुना करता, क्योंकि तो बद्री विशाल जी के भी, डॉक्टर लोहिया के कारण उनके परिचय क्षेत्र में थे, और किशन जी भी कृष्णा जी की तरह ये दो समाजवादी कल्पना के संपादक मंडल में, हम कल्पना में लिखते थे कभी कभी, कुछ छोटी बड़ी टिप्पणियां संपादक मंडल में तो थे ही, जाहिर है कि उस नाते जिम्मेवार लोगों की तरह अपनी जिम्मेवारियां भी निभाते रहे होंगे, जिनके बारे में मुझे अलग से तो नहीं मालूम, थोड़ा बहुत सुनकर ही मालूम है। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा तथ्य है, किशन पटनायक जो एक राजनीतिक विचारक, समाज को लेकर बहुत चिंतन करने वाले, और बहुत सारी चीजों को, देश दुनिया की तमाम चीजों से जुड़े रहने वाले, अध्ययन करने वाले व्यक्ति, राजनीति की दुनिया, इसको मैं बार बार दोहराऊंगा कि उनका पहला परिचय तो वही है, होना भी चाहिए, क्योंकि वो धारा अभी भी हम लोगों को बहुत बल देते कि जो ये विकल्पहीन नहीं है दुनिया सोचने वाली, और सत्ता की राजनीति का सारा खेल समझने वाली, वो सत्ता की राजनीति का पूरा खेल समझते, उनसे अधिक और कौन समझे, क्योंकि उसके वो बहुत बार भुक्तभोगी भी हुए, और वैसे भी विचारों के स्तर पर, आदर्श के स्तर पर उस व्यक्ति का देखिए तो सत्ता के प्रति कोई वैसा मोह नहीं रहा, जबकि हम लोग सुना करते थे, और सच है कि बीजू पटनायक से लेकर बड़े बड़े लोग उड़ीसा के, और हर क्षेत्र चाहते थे कि किशन जी के लिए वो कुछ करें, कुछ सोचें। किशन जी सत्ता में आए, ये भी लोग, मतलब उनको किसी तरह की राजनीतिक ताकत उनके हाथ में हो, ये बहुत लोगों की इच्छा थी।
लेकिन उस व्यक्ति में स्वयं नहीं, इतनी बड़ी बात है आप सोचकर देखो, रोमांच हुआ था तो उस व्यक्ति में नहीं, उसको लोग देना चाहे, उसको उस पद पर बैठाना चाहे, उसको चाहते हैं कि वो एक ऐसा व्यक्ति बने समाज में जिसके पास ताकत और ताकत राजनीतिक ताकत। लेकिन वो व्यक्ति खुद वो नहीं चाहता था, क्योंकि वो उस राजनीतिक ताकत को किन्हीं शर्तों पर ही चाहे, ये बड़ी शर्तें उनकी ओर से बनाई जिस पर चलना आसान नहीं, कि आप उस पर एक नट की तरह चलो, कि आप पार कर जाओ उस रस्सी और आप तो कहीं से कोई क्षति न पहुंचे, बल्कि आप अपना, वो नट नहीं थे। ये उदाहरण मैंने इसलिए लिया कि वो अचानक सूझा कि जो एक से दूसरी तरफ जाता है और अपनी तरह से जाता है और उसको पूरी तरह निभाता है, इसलिए सुकमा को मैंने चुना। देखिए जीवन के अंत तक किशन जी ही रहे। मैं उनकी कला और साहित्य की दुनिया के बारे में कुछ कहूंगा, थोड़ा तो याद किया ही, उनकी कल्पना में, उनकी कल्पना से जुड़े और भी चीजों से जुड़े, उसके बारे में भी जानता हूँ। किशन जी के बारे में कुछ मैंने और भी जाना जो जरा कम लोगों को इसका उससे परिचय हुआ। अब किशन जी से संबंध तो मैंने अशोक सुसरिया का नाम लिया, और अशोक सुसरिया आप जानते हो मेरे उन मित्रों में से थे जिनके बिना मेरा कोई वक्तव्य कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कुछ भी करता था, कुछ भी लिखता पढ़ता था, किन्हीं लोगों से मेरे संबंध बनते थे, तो उसमें कहीं न कहीं से अशोक आकर तो पहले से शामिल होते थे, शामिल हो जाते, पर उन किशन जी के साथ अपने संबंधों में तो मैं बहुत दूर तक उनके कारण ही शामिल हुआ। किशन जी के जीवन में भेंट मुलाकातें होती रही। एक चीज की याद कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि उनके एक ऐसे पक्ष से जुड़ी हुई चीज है, हालांकि बात राजनीति की हो, जब मैं दिनमान में था तो किशन जी एक चुनाव तो वो लड़े जिसे जीते थे, बहुत बहुमत, बहुत बड़े मतों से जीते थे, और उसका बड़ा स्वागत हुआ था उड़ीसा में और लगभग पूरे देश भर में, क्योंकि वो युवा लोगों के आदर्श उस कारण भी बने थे। एक व्यक्ति लोकसभा में ऐसा पहुंचा है जो इतना खरा है और जिसका अध्ययन ऐसा है कि वो जो भी वहां बोलेगा कहेगा वो सचमुच वो जनप्रतिनिधि, वो मेरा प्रतिनिधि है। लोग बिल्कुल ये लगा था और गलत, आगे वैसा नहीं हो सका इसका बहुत दुख भी होता है। तो कृष्ण जी फिर चुनाव हारते, पर बहरहाल उनके एक चुनाव में मैं दिमाग की ओर से कवर करने गया, संबलपुर गया, बरगढ़ गया, जहाँ उनके बहुत शुभचिंतक थे, ऐसे थे, और वहां बरगढ़ में ठहरा। ये कुछ 70 के दशक की बात, और तब तक लोहिया जी जा चुके थे जिनसे मेरा भी परिचय बद्री विशाल जी ने कराया, और मैं भी लोहिया के कुछ निकट आया, जन्मासी की गोष्ठियां होती उसमें रहने लगा, लोहिया जी के कारण कुछ लिखने लगा, वो भी मुझे बहुत चाहने लगे, काम भी सौंपते, जैसे उन्होंने किताब दी जाति प्रथा पर, और किशन जी उनके कितना निकट है ये हम सब लोग देख रहे थे। वो खुद ये मान रहे थे कि मेरा एक तरह से, उसको कैसे कहें, किन शब्दों में कहें मैं नहीं जानता, पर मान रहे थे वो, और सभी लोगों को दिखाई पड़ रहा था कि किशन जी को बहुत चाहते हैं। तो बहरहाल मैं वहां पहुंचता हूँ, और मैं पहली ही रात, वो रात में कभी नहीं भूला कि मुझे देर से पहुंचा मैं संबलपुर, और उन दिनों आप जानते हो कि भले टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करता था, दिनमान जैसे बड़े पत्र में काम करता था, पर ऐसी बहुत सुविधाएं नहीं हुआ करती, और मैं तो वहां एक साधारण, सभी लोग वहां उप संपादक ही थे, क्योंकि तो उसमें एक प्रधान संपादक था, एक सहायक संपादक था, एक विशेष संपादक था, और एक मुख्य उप संपादक थे सर्वेश्वर जी, बाकी हम सब उप संपादक, उप संपादक को, पर दिनमान के उप संपादक थे, बड़ी बात थी, पर ये हमारे लिए बड़ी बात थी और समाज के लिए बड़ी बात थी, शायद
संस्थान के लिए तो बड़ी बात नहीं थी, तो हमको उप संपादक वाली सुविधाएं मिलती थी। तो मैं ट्रेन से पहुंचता हूँ संबलपुर, और रात हो गई है और देर हो गई है, और मेरे हाथ में एक पता है किशन जी के एक बहुत प्रिय व्यक्ति का, जो अब भूल गया हूँ किसने दिया, तो प्रदीप मेरे पास था। और मैं उस पते पर पहुंचता हूँ और काफी रात हो चुकी है, शायद 9 साढ़े 9 बज चुके हैं। और मैं दरवाजा खटखटाता हूँ, उस घर का एक महिला निकलती है, युवा सी, युवा माँ का एक छोटा बच्चा है, और उनके पति वहां उस समय नहीं, जो किशन जी के मित्र थे। एक बात ये भी याद कर लूं कि किशन जी की और हम लोगों की उम्र में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं, और हमको बिल्कुल अपने जैसे लगते थे, हमसे कुछ बड़े पर हमारे जैसे। तो उनको मैं बताता हूँ कि मैं ये किशन जी की ये लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, मैं दिनमान में काम करता हूँ और आया हूँ, और अगर मैं भूलता नहीं तो शायद याद नहीं आता कि जिसने वो पता दिया था, क्या मुझे चिट्ठी भी दी थी रघुवीर जी ने, या केवल पता दिया था, मैं याद नहीं, पर ये बहुत अच्छी तरह याद है, उस रात भी याद कर सकता हूँ, और उसको कभी भूला नहीं। क्योंकि फिर वो कुछ देर सोचती है, क्योंकि उनके पति दौरे पर गए, मैं उनको पहली बार, और वो मेरी बातों पर विश्वास कर रहे। थोड़ी देर में वो कहती है कि अब कहाँ जाओगे आप, मैं कहता हूँ कोई अगर आपको पता हो आप बता सकते तो मैं किसी यहाँ आसपास होटल में ठहर जाऊं। थोड़ी देर सोच में रहती है, फिर बोलती नहीं आप होटल में कौन, घर है ना, कल सुबह मेरे पति भी आ। उस रात उस घर में मैं रहता, वो मुझे खाना खिलाता, पर जो अभी मैं कहने चला हूँ वो बात दूसरी, मतलब ये सब तो है। किशन जी के कुछ चित्र वहां जो उन्होंने फ्रेम कराकर रखे, उनके बनाए, किशन जी का ये पक्ष मैं भी नहीं जानता, बाद में उन्होंने कितना काम किया मैं नहीं कह सकता, पर उनके कुछ चित्र भी मैंने देखे। तो किशन जी कविता लिखते थे, किशन जी चित्र बनाते थे, किशन जी को ने हमारे लिए एक और काम किया दिनमान के लिए। आप लोगों में से बहुतों को याद होगा, उस पीढ़ी के लोगों को, दिनमान में रघुवीर जी के कारण एक स्तंभ चला था भाषा परिचय, उर्दू परिचय, भाषा परिचय लिखा था शमशेर जी ने। उसके लिए मैं ही तब शमशेर जी के पास जाता था, और कभी मेरे साथ भी आ जाते थे, क्योंकि वो जो लिखना होता था वो शमशेर, मतलब लिपि का काम वो खुद शमशेर जी करते थे, अक्षरों को लिखने का काम वो करना पड़ता था, और उस करना चाहते थे उनको आता था करना, किशन जी ने नहीं किया। और फिर देखिए फिर क्या संयोग बना, क्योंकि वो स्तंभ मेरे ही जिम्मे था, तो किशन जी के साथ वो काम भी मैंने किया, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, पर ये तो था कि किशन जी का वो प्रिया पाठ आएगा और वो मेरी देख रेख में छपेगा, हम सबके देख रेख में छपेगा, पर चूंकि मैं दिनमान में काम करता और मुझे जिम्मेवारी मेरी भी मानी गई है कि बस मैं कुछ विशेष ध्यान कि भाई वो कैसे छप रहा है, आ रहा आ गया, तो किशन जी ने एक वो काम भी किया, आज उसकी याद करके खुशी हो रही, उसकी याद दिलाना चाहिए कि कैसे उन्होंने हिंदी भाषियों के लिए उड़िया पाठ लिखा था। अब ये हम लोगों का कहीं एक तरह का दुर्भाग्य है, मैं नहीं जानता कि कभी वो संभाला गया आगे, और हम लोग भी देखे तो संभाल सकते नहीं थे, ऐसी चीजें सूझती थी पर हम कर नहीं सकते थे, ये जो भाषा परिचय ये लोग लिख रहे हैं उसका, उसकी एक अलग से पुस्तिका बन जाए, बनती तो कितनी सुंदर बात, पर उस समय न संस्थान को सूझता था न वो इस तरफ शायद ध्यान भी देता। बहरहाल ये काम किशन जी ने। अब मैं किशन जी को के बारे में संबलपुर चलता जहां उनके साथ रहा हूं, और उनके उनकी अपार लोकप्रियता थी, उस लोकप्रियता ने बहुत मुझे मुग्ध किया, वो औरतों के चेहरे याद आते, बच्चों को साथ लेकर आए, किसान और दूर और बड़ी भारी संख्या में किशन की जनसभाओं में मैंने भीड़ देखी, लौटकर उसको रिपोर्ट भी किया, गर्व भी महसूस किया,
कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ अपने समय के, और उसकी उसके अपने अंचल में आकर उड़ीसा में आकर मैं देख पा रहा, सुना तो बहुत था उनके बारे, उसको भूलता भी नहीं, उनके बोलने में वो सम्मोहित कर सकती थी। ये वहां मैंने देखा, उड़िया जब किशन जी बोलते थे तो मैं सब तो मेरी समझ में नहीं आती थी, पर लोगों के चेहरे देखकर वो मंत्रमुग्ध कर देते थे। और मंत्रमुग्ध को किसी नाटक के साथ नहीं करते थे, जैसे बहुत सारे राजनेता करते हैं, हालांकि मंत्रमुग्ध नहीं करते, वो एक अपना प्रभाव डालते हैं, उसको मंत्रमुग्ध करना मैं नहीं कहूँ, पर कृष्ण जी को मंत्रमुग्ध करते हुए देखा। सहज साधारण बोली बानी, सहज साधारण वस्त्रों में एक व्यक्ति, एक हमारा जन प्रतिनिधि बोल रहा है, ये मेरा भाग्य है कि मैंने सुना। और जैसा फिर कहूँ आपसे कि इसको रिकॉर्ड, अब इसको सोचकर बहुत दुख होता है, भारतीय राजनीति के दृश्य को, समाज के दृश्य को सोचकर आज भी बहुत पछतावा होता है कि हम जैसा वो समाज है, कि कैसे उसको, जो वंचित समाज है उसको आप कैसे अपनी ओर कर लेते हो, ताकतवर लोग कर लेते हैं, कभी डरा कर, कभी धमका कर, कभी लालच देकर। तो जब मैं लौटा तो मैंने रिपोर्ट लिखी, और इन सब अब याद नहीं है, निर्माण की फाइलों में होगी, कभी देखी जा सकती है। तो कितनी अपार जनप्रियता हासिल, उसका सब मैंने विधिवत वर्णन किया। लेकिन किशन जी चुनाव हार गए, उनके साथ जो उनके मतलब जिनके साथ चुनाव लड़ रहे थे, या उनको लड़ना पड़ रहा था, या वो प्रतिपक्षी, वो वहां के कोई बहुत जमींदार पुराने बहुत पैसे वाले लोग, जिनका शायद जन सेवा में उतना काम कुछ नहीं था, पर जीतना ही था उनको, जैसा कि हमने बहुत बार देखा है और देखते भी आ रहे हैं। तो मुझसे रमा जी ने कहा, रमा जी आप जानते हो, रमा मित्र भैया जी की बहुत अनन्य मित्र की बहुत बड़ी सहयोगी, उनके हर काम में साथ देने वाली लोहिया जी जा चुके थे, उन्होंने मुझे फोन किया, बोली तुम तो जाल तो लौट कर ये बता रहे थे, और तुमने लिखा भी किशन जी जीतने जा रहे हैं और तो हार गए। तो मैंने कहा कि हाँ, इसका मुझे बहुत दुख है, एक ऐसा व्यक्ति चुनाव हार गया है जिसको लोकसभा में होना ही चाहिए, और अगर वो होते तो वो देश के लिए, समाज के लिए इतना अच्छा हो। अब वो क्यों अच्छा होता इसकी कुछ बात कर लूं, क्योंकि तो जैसे हमने डॉक्टर लोहिया को जाना, एक समय तो सभी वैसे ही थे, जब हम आजादी की लड़ाई की बात के दिनों की बात देखते सुनते पढ़ते हैं तो सभी को ऐसा पाते हैं कि कौन सा राजनेता ऐसा नहीं था जो लिखने पढ़ने की दुनिया में नहीं था, जो कलाओं से जिसकी गहरी दिलचस्पी नहीं, जो विधिवत अलग अलग माध्यमों के लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता नहीं, अगर नहीं भी जानता था तो उनको कितना सराहता था, और ये जिनके जिनके योगदान को वो जानता था, इनका योगदान क्या है, इन्होंने क्या किया, इनको जाना जाना चाहिए। किसी का भी आप नाम ले लो, वो अब्दुल कलाम आजाद, वो गोविंद वल्लभ पंत, आप नाम लेते चले जाइए आजादी की लड़ाई के दिनों, और लोहिया जी के साथ के और अनेक साथियों को, और गांधी तो थे, और गांधी का बहुत गहरा प्रभाव किशन जी पर था। तो जैसे कुछ समय पहले हम लोगों ने, और भी कई लोगों ने लिखा है, और उस पर भी ध्यान लोगों को गया है कि गांधी को कलाओं में कितनी दिलचस्पी, तो मैंने एक लंबा लेख लिखा, और इससे ये याद आई कि किशन जी के नाम पर जो व्याख्यान माला होती जो जन परिषद के लोग करते हैं, समाजवादी जन, जब उन्होंने मुझसे एक व्याख्यान माला देने की बात, व्याख्यान देने की बात कही, उस व्याख्यान माला के अंतर्गत अभी कोई 4 5 6 बरस पहले की बात, गांधी शांति में, तो मैंने चुना था कि मैं किशन जी के नाम पर चलने वाली व्याख्यान माला में गांधी की
गांधी का जो कलाओं से संबंध था उस पर मैं, जितनी मेरी जानकारी, जितनी चीजें मैंने पढ़ी गांधी के बारे में जानी, देखिए आज ये सोचकर भी कितनी खुशी हो रही कि मैंने, फिर ये भी लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया होगा। आप सोचो, उसके पीछे स्वयं कृष्ण जी, क्योंकि उनकी भी याद आई। और जब हमारा परिचय हुआ तो ऐसा नहीं कृष्ण जी सबसे बहुत मिल रहे थे, मान लीजिए अंबादास से बहुत मिल रहे हैं, या वो स्वामीनाथन से बहुत मिल रहे हैं, या वो हुसैन से बहुत मिल रहे हैं, या रामकुमार से बहुत मिल रहे हैं, ऐसा भी नहीं था कि ना मिले। हम लोगों की मंडली ही तो वैसी थी, सभी कहीं ना कहीं टकराते थे और सब एक दूसरे की गोष्ठियों में भी कभी कभी शामिल होते ही थे। कि वो वात्स्यायन जी के बारे में न जानते, वो संगीतकारों के बारे में न जानते। और आज तो मैं कभी उनसे उस समय चर्चा नहीं हुई, पर मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आज उसको अनुभव करता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो गुरु केल शरण महापात्र के बारे में न जानते, सविता पाणिग्रह जी के बारे में न जानते। ये तो उनके अपने प्रदेश के लोग थे, बड़े लोग, वो देश के, हर प्रदेश के बड़े लोग जानते, बारे में जानते। कृष्ण जी के बारे में हम लोगों ने युवा दिनों में बहुत सी किंवदंतियां भी सुनी, जिनमें से मैं मानकर चलता हूँ कि कई तो बिल्कुल सच्ची थी। और उस व्यक्ति का आप जीवन देखिए, उसका त्याग में नहीं, इन लोगों के बारे में त्याग की बात नहीं, वो खुद नहीं मानते कि मैं कोई त्याग करूं। इतना गहरा समर्पण भाव था देश के लिए, समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, देश की प्रकृति, कि वो उसको सहजीवन मानते थे। और ये इसका अनुभव किया और इन लोगों से सीखा है कि भैया इसमें त्याग क्या है। जिन लोगों की बात आप उठाना चाह रहे हो समाज में, अगर आप राजनीति की दुनिया में या किसी भी दुनिया में, तो फिर उसमें त्याग कैसा है? क्योंकि हमारा साधारण जन, और अपने को साधारण जन मानने की हिम्मत होनी चाहिए, कम से कम राजनीति की दुनिया में रहते हुए, सारे शोर शराबे के बीच रहते हुए, जहाँ लगातार ताकत की बातें उनके समय भी होती और होती रही थी, उनको भी कई तरह के लालच प्रलोभन दिए जाते। तो एक व्यक्ति इसलिए चला जाता हो गर्मी की छुट्टियों में चेन्नई, कि उसके पास कोर्ट नहीं, कोट नहीं सिलवा सकता, गर्म कपड़े नहीं बनवा सकता, तो चेन्नई में चुकी हाँ ठंड के दिनों में इतनी गर्मी नहीं हुई, तो हम वहीं जाकर कुछ काम करेंगे, वहीं चले जाते हैं। ऐसा सोच रखने वाले, ऐसा कर्म करने वाले व्यक्तियों से मेरा परिचय हुआ, कितना कुछ मिला इन लोगों से, मैंने खुद अपने जीवन में अनुभव किया। तो कविता इसमें भूल रहा हूँ, पर ये उसका शीर्षक भूल रहा हूँ, कविता नहीं भूल रहा, मेरी एक कविता को पढ़कर उन्होंने इतनी सुंदर टिप्पणियां की, अब ये ध्यान नहीं आ रहा कि उन्होंने शायद लिखकर मुझको भेजी या किसी से भिजवाई थी, इस रूप में मुझे वो मिली थी, और वो खाली कहकर नहीं मिली। तो मैं थोड़ा चकित हुआ कि कितने कितने अंतरंग ढंग से मेरी उस कविता को उन्होंने पढ़ा हो, कि उसमें उनको वो चीजें दिखाई पड़ी जो शायद उस कविता में, जिससे मैं लिखने, उसका लिखने वाला एक बोध के स्तर पर अवगत था। लेकिन जैसा कि होता है, हम सब जो लिखते हैं बनाते हैं, सभी का अनुभव है ये कि हम खुद उसके उसका विश्लेषण नहीं कर सकते, उसका विश्लेषण कोई अन्य व्यक्ति करता है। हमारे भीतर तो बोध की तरह कोई चीज आती है, और बोध होने से आप कुछ लिखते हो कोई भी बोध हो सकता है। फिर कमलेश जी से उनकी बहुत अंतरंगता, कमलेश जी को मैं बहुत मानता रहा हूँ, आज भी मानता हूँ। और उनकी संक्षेप में ही कहता हूँ, क्योंकि हम श्री कृष्ण जी की बात कर रहे हैं, लेकिन कहना जरूरी लग रहा है, कि वो उन कवियों में से थे जिनके बारे में मुझे लगता है कभी हिंदी, पता नहीं किस कारण से, ऐसा नहीं कि हिंदी में सामर्थ्य, बहुत सामर्थ्य, बड़ी भाषा है, उस भाषा में आप सोचिए, मध्य काल से शुरू करिए, आधुनिक काल में खड़ी बोली में ऐसे ऐसे नाम है कि आप चकित हो जाते। प्रसाद है, राला है, रेणु है, महादेवी जी,
और निर्मल है, कृष्णा सूक्ति है, कर्ण नारायण, आप नाम लेते चल शमशेर जी। तो अभी ये प्रसंग इसलिए याद किया कि अभी परसों ही सदानंद साही जी आए और उन्होंने कुछ कहा कि अपने पत्रिका का एक अंक कामायनी पर निकालना चाहिए, और उससे उन्होंने कहा आप भी कुछ। तो मैंने सीधे ही कहा, अरे मैंने कहा आपने मुझे डरा दिया, और डर गया सर, सचमुच डर गया, कामायनी पर मैं कैसे। ऐसी भाषा है जिसमें हमारे पास जिस ऐसी संपदा है कि हम उसको अप्रिशिएट करते, उसको एक बड़ी चीज मानते हैं, बड़ी चीज की तरह हमको मिलती, हमको बहुत कुछ देती है, पर हम बड़े विनम्र भाव से ये कहते हैं कि नहीं नहीं इसमें हम नहीं उतर सकते। वो सामर्थ्य अभी पैदा नहीं हुई कि मैं कई बार सोचा है कि मैं बाण भट्ट की आत्मकथा पर लिखूंगा, तो बहुत बड़ी उपन्यास था, द्विवेदी जी की चीजें पर लिखूंगा, मैं चारूचंद्र लेख पर लिखूंगा, पढ़कर सराहा है, पर जब जब लिखने बैठा हूँ ऐसा नहीं कि नहीं लिखा, रण पर लिखा है, मुतलों पर लिखा है, महादेव जी पर लिखा है, पर कुछ ऐसी चीजें जिन पर आप सोचते हो कि आप नहीं लिख सकते। अभी आप में वो बात नहीं पैदा कि आपके पास वो शक्ति नहीं है, आशा नहीं कि आप उसके बारे में कुछ कह सको, और वो कुछ कह सको जो किसी काम का। तो बहरहाल हम ऐसी भाषा में लिखने पढ़ने वाले लोग, और किशन जी के साथ फिर ये भी याद कर लीजिए कि एक उड़िया भाषी। नमस्कार स्मिता जी, ये भी याद कर लीजिए कि उड़िया भाषी है, हिंदी कितनी सुंदर लिखी, आजीवन जब वो बोलते थे तो उड़िया का सम्मोहन भी तो देखा है आपसे, क्योंकि भाषा नहीं समझ, पर दी वाला तो सुना है, आमने सामने बैठकर भी सुना है, उनका गद्दी ही कहूंगा बोलते। अब बोलने में क्या था, खरा संबोधन, स्वामीनाथन याद आ रहा है, प्रसंग वर्ष याद आ रहा, स्वामी से एक बार मैंने पूछा था इस बात की याद आजकल मैं बहुत करता हूँ और हर जगह इसको चाहता हूँ कि मैं का साझा करूँ। तो उनसे मैंने एक लंबा इंटरव्यू किया था, उस लंबे इंटरव्यू में स्वामी से ये सवाल भी किया था कि आप मनुष्य और कला का संबंध क्या है। तो उन्होंने कहा कि पहले तो चौंके हो, उसे दो बार उन्होंने कहा प्रयाग आप पूछ रहे हो, मैं थोड़ा संकोच में पड़ा, थोड़ा सा घबराया भी कि इसका मतलब स्वामी है मान रहे हैं कि मुझे मालूम होना चाहिए, पता नहीं क्यों सब मान रहे हैं कि मुझे मालूम होना चाहिए मैं पूछ रहा हूँ। तो फिर उन्होंने भीड़ से लगाई, फिर पूछा कि तुम ही सवाल कर रहे हो, मैंने कहा मैं स्वामी जानना चाहता हूँ और मैं किसी बहुत गहरे दार्शनिक उत्तर की प्रतीक्षा में हूँ, अभी आपसे जो मैं कहूंगा बहुत गहरा प्रश्न, बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी दार्शनिक बात, पर वो इतनी सुंदरता से कहेगी, इतने संक्षेप में कहेगी जिसकी ओर हमारा ध्यान जाता। स्वामी ने कहा कि अरे बात बड़ी सरल, पर देखिए उस शब्द के कारण ही मैं कहता हूं कि वो दर्शन की बात, वो चिंतन की बात, संबोधन का इस्तेमाल, संबोधन। उन्होंने कहा बड़ी सरल सी बात है, मनुष्य कुछ भी रचता है, बनाता है, बोलता है, तो मनुष्य को संबोधित करता। उन्होंने ये भी कहा कि मैं चिड़िया पेड़ पहाड़ बनाता हूँ, तो चिड़िया पेड़ पहाड़ नहीं देखेगी मेरी कला का, उसमें सृष्टि की कोई भी चीज आ सकती, देखेगा तो मनुष्य ही, क्योंकि मैं मनुष्य को समझ। तो मैंने स्वामी से तत्काल कहा कि स्वामी मैं सब समझ गया हूँ, वो दिन है आज का दिन है, इस संबोधन शब्द ने मुझे जो दिया है उसका साझा आपसे कर, उसने मुझे बहुत सावधान। और उस संबोधन में क्या था कि अगर आप यही तो था, यही तो था और यही तो है कि अगर आपका संबोधन खराब तो उस संबोधन में फिर नमस्कार छाया, तो उस संबोधन में
फिर ऐसा कुछ है ना कि आप अगर वो संबोधन खड़ा है तो आपके लिखने बोलने बनाने संगीत रचने में कि आप संबोधित हो। हमारे गंधर्व हमसे संबोधित थे, मनुष्य संबोधित थे, पर बड़े खड़े ढंग से संबोधित थे। तब कुमार जी की याद कर, पर छूटा था। कोई भी व्यक्ति आप सोच कर देखो, कलाओं का, कलाओं की दुनिया कि उस तरह से संबोधित हुआ, तीने तो हमको कुछ दिया है, वही तो हमारे मन कुछ। अम्बादास किशन जी का भी परिचय था, और जिनका जन्मदिन आज ही था, जन्म शती है, और किशन जी भी उनको जानते थे, हमारी मित्र मंडली में थे, तो कितना जानते थे, कितना उन्होंने देखा है तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत बार टकराते थे कमलेश जी के कारण। और हम सब लोग कह चुका हूँ कि हम एक दूसरे से कितना टकराते, तो हमारा वो जो वो समय है, उसने हमको बहुत दिया। ये तो बहुत बड़े भाग्य की बात थी कि इतने सारे इतने लोग मिले, इतने नाम मैंने लिए। सबसे मेरा बहुत अंतरंग परिचय रहा है। सोचिए आप, मैं कितना, जब मैं आजकल कहता हूँ आई फील ब्लेस्ड, तो वो सोक्ति जी को, निर्मल को, राम कुमार को, कुंवर जी को, वो अब छायावाद के लोगों के साथ तो वैसा संबंध बन नहीं सकता था। हम बहुत युवा थे, पर रेणु हो, नागार्जुन हो, त्रिलोचन हो, जिनसे हम मिल सके, तो सब कुछ मिला। ये राजनीति दुनिया में डॉक्टर लोहिया हो, किशन जी हो, और भी लोग हों जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे, जिनसे एक समय समय पर भेंट होती रही, और जिनसे फिर बहुत कुछ मिला। उनके नाम लूंगा तो वो बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त बनी, जिन्होंने एक समय में वो लोग शामिल, उस तरह से सोचने विचारने वाले। आप सोच कर देखो, जिन्होंने इंदिरा गांधी की पराजय के बाद मुझे जनता पार्टी बनाई। जनता पार्टी तो ऐसे ही लोगों ने बनाई, वैसे ही तमाम लोगों ने जो कॉफी हाउस में बैठने वाले लोग थे, हम सबको सहज सुलभ थे। देखा है कि और कैसे बनी थी पार्टी, ज्यादातर लोग जेलों में। तो दूसरा चरण किशन जी के लिखने का, और कितना अच्छा है कि वो सबको सुलभ है। फिर वो अशोक जी के कारण, अशोक सिसरिया के कारण, अन्य मित्रों के कारण, अरविंद मोहन के कारण, और भी लोग जो किशन जी से जुड़े हुए उनके कारण, सुनील कई नाम है। सबसे मेरा परिचय थोड़ा बहुत तो रहा है। तो वो उपलब्ध है हमको, कभी भी आज भी वो हमारे बहुत काम का, बहुत लोगों के बहुत काम का है। क्योंकि जब मैंने किशन जी की बात की, और किशन जी की बात आज भी कर रहा हूँ, तो सबसे पहले उनकी वही छवि तो आंखों के आगे तैर रही। वो विनम्र सी, मिठास भरी बोली वाली छवि, लेकिन मिठास के साथ, लेकिन उसका एक खास अच्छे अर्थों में तेवर भी। तेवर जरूरी, क्योंकि तेवर कभी कभी अपने नैतिक पक्ष को रखने जरूरी होता, उनमें था। वही कह सकते थे बिहार के किसी मुख्यमंत्री, नाम नहीं लूंगा अभी, क्योंकि तो उसमें जाने की जरूरत भी नहीं। ताकतवर व्यक्ति मुख्यमंत्री, कि अगर वो मुझे सुनने आना चाहता है सभा में, तो फिर ये जरूर कहना चाहूंगा कि वो बोलेगा। ऐसा नहीं कि मैं बोल करके मैं अपने, तो उसके लिए तो बहुत सारे मंच हैं, बोले वहां। हमने अपने निकट के लोगों के से संबोधित हो, देखे फिर वो शब्द आ गया ना स्वामी वाला, और वो आजीवन वो उन्होंने क्या संबंध बनाया, इसको संबोधित कर रहे। पहली बात तो आप चुन लेते हो कि हाँ मैं इनको संबोधित कर सकता हूँ, या मुझे इनको करना चाहिए, या उनको भी करना चाहिए जो ताकत के खेल में है, और ताकत को बहुत बड़ी चीज मान रहे हैं, आज भी मान रहे हैं। ताकत का एक तो खेल तरह तरह से डरा रहा है,
उनको नहीं डरा सकता था। जैसे लोगों के वो तेवर ही तो हमारे भी कहीं काम आते हैं, हम भी कभी कभी ये सोचते हैं कि हम भी नहीं डरेंगे, हम भी नहीं किसी धमकी में आएंगे, नहीं ताकत कहाँ से आती, जो भी थोड़ी बहुत आती है, बहुत तो नहीं आती है, क्योंकि हम उसको जो भी आप मान लीजिए, पहली बात तो यही कहूंगा कि हम किशन जी जैसे नहीं है, उनसे उन जैसे होना भी आसान बात है। फिर दूसरी बात है कि हम उस दुनिया के नहीं है, हम दूसरी दुनिया के हैं, और उस दुनिया के भी हैं जो किशन जी की दुनिया थी, लेकिन हमारी दुनिया हमारी कुछ और भी है, वो कलाओं की है, वो लिखने पढ़ने की है, वो कविता की है, वो भाषा की है, वो शब्द की है, जिसमें हमें रहना पड़ता है, रहना पड़ता है किसी मजबूरी में नहीं, आनंद के अपने लिए एनर्जी इकट्ठा कर, नहीं तो हम कहाँ से लाएंगे। इसीलिए कभी कभी हमको वो दुनिया छोड़ भी देनी पड़ती, क्योंकि उस दुनिया में हम पर जाएंगे तो वो हमारे बहुत सारे शक्ति को खींच ले जाए। ऐसा नहीं कि हम राजनीति की दुनिया में नहीं, उसके बारे में नहीं सोचते, लेकिन ये हमको अच्छी तरह पता है और बराबर से पता रहा कि भाई रचना भी तो प्रतिरोध है, तो हमको क्योंकि वो दूसरी ताकतें तो चाहती हैं कि आप कोई रचना न करो, आप ना करो, आप हमारे साथ ही बहस में उलझे रहो, वो आपको उलझाए रखें, आपको डराएंगे धमकाएंगे, आप छोड़ दो ये जो आप काम कर रहे। किशन जी को देखे वो क्यों बड़े, क्यों उनका बहुत गहरा सम्मान देख, लिखने पढ़ने वाले उस व्यक्ति में जो मूलतः तो राजनीतिक विचारों का था, राजनीति की दुनिया में आया था, समाज को बदलने आया था, राजनीति को बदलने आया था, एक सपना पाल कर चलो, बहुत बड़ा सपना था, सपने सब समय सच नहीं, लेकिन किशन जी जैसे लोगों ने ये सिखाया कि ऐसा भी मत मान लो कि सच नहीं, और इस बात को अच्छी तरह जान कि वो 100 हो, वो 50 हो, वो 1000 हो, वो उड़ीसा में हो, वो दिल्ली में हो, किसी अन्य प्रांतों में हो, वो कर्नाटक में हो, आज भी उनकी बातें हम लोगों युवा लोग क्यों खींचते, क्यों खींचते हैं वो शर्मिला बोरा जालान, क्यों खींचते हैं वो अलका सरावगी को, वो खाली इसलिए तो नहीं खींचते कि किशन जी उनको सुलभ हुए थे अशोक सुथेरिया के कारण, वो इसलिए भी खींचती हैं कि वहां से ताकत मिले, और ताकत तो हम सभी कहीं ना कहीं से इकट्ठा करना चाहते हैं, वो जहां से मिले। और दूसरी बात, किशन जी बहुत गहरे सौंदर्य प्रेमी थे, अगर सौंदर्य प्रेमी व्यक्ति न होते तो मैं मानता हूं कि ना वो ऐसा जीवन जी सकते, ना ऐसा लिख सकते, और उनके सौंदर्य प्रेम के भी कुछ उदाहरण तो देखे ही थे, भले हम हमको उनके विवरण भूल गए, क्योंकि वो तो उस व्यक्ति के सोचने, उठने, बैठने, बोलने में भी झलकता था, तो प्रशंसा में भी झलकता था किसी के प्रति, और वो अब देखो तो उनकी कविता भी, कई कविताएं शुरू की बड़ी श्रृंगारी, जो हजरतगंज वाली कविता है उसको पढ़कर मैं बहुत चकित हुआ था। अब ये नहीं जानता कि वो उनकी इस समय याद नहीं है कि वो कब उन्होंने लिखी हो, कभी तो लिखी, या अभी हमने मृत्युगंधा कविता सुनी, तो वो उनके बारे में जब भी सोचता हूँ तो मैं क्या पाता कि वो एक यथार्थ को पहचानने वाली नैतिक दुनिया है, वो सपनीली दुनिया है, वो सौंदर्यशील दुनिया है, बिना सौंदर्यशील दुनिया हुए किशन पटनायक के पाए का व्यक्ति जहां वो पहुंच चुके थे उस समय जब उन्होंने लिखा था उड़िया पाठ, वो नहीं कर सकता था अपनी भाषा के उसके लिपि के सौंदर्य को जो न पहचानता, वो उस तरह से हाथ से नहीं लिख सकता, है ना बड़ी बात। ऐसे व्यक्ति को प्रणाम करते हैं कि
और हम तो सुलभ हुए, उसको अपना भाग्य मानते हैं। का साथ मिला, जितना भी मिला, जब जब मिला, युवा दिनों का साथ बहुत संबल वाला साथ है। हम उनको ऐसा लगता था कि हमारे बीच के हैं, और हमको देख, मैं सचमुच बहुत प्रसन्न हो जाता था कृष्ण जब जब उनसे मिला, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। कभी अशोक जी के घर में भी एक दो एक ऐसे मौके आए हैं कि मैं कलकत्ता में हूँ और वो कृष्ण जी को, एक बार की तो याद है, कृष्ण जी की सपत्नी गाय थे और अपने किसी दूसरे मित्र के यहाँ ठहरे थे, और वो अशोक जी ने कहा कि वहाँ चलना है, कृष्ण जी आए हुए, तुम चलोगे? अरे मैंने कहा क्यों नहीं। हम दोनों उनसे मिलने पहुंचते हैं, और फिर जैसा कि होता ही था, हम लोग बैठते ही बहुत सारी बातें निकलती थी, नई पुरानी, ये कड़ी भी बनी मेरे जीवन में जो लगातार काम आ रही है, छेड़ तो काम आ, आनंद दे रही, ताकत दे रही। जैसे भी देखें, भी कल्पना में यहाँ काशी में हूँ तो बनारस में हूँ, तो रोज इस बात की याद करता हूँ कि मैं कल्पना काशी एक निकाल सका उस जब बद्री विशाल जी, कल्पना के कारण जहाँ किशन जी थे, जहाँ मैं था, जहाँ भवानी बाबू कभी थे, जहाँ कभी रघुवीर जी थे, जहाँ कभी कमलेश जी थे, और कैसी एक वो धारा कृष्णा जी, जाने अनजाने हम लोगों ने इनसे बहुत सी, कृष्णा जी से भी बहुत सी। तो ये वो दौर था जब ऐसे लोग मिले, ऐसे लोग भारतीय राजनीति दुनिया में आए। बाद में कृष्णा जी ने वो दुनिया छोड़ी, वो एक अलग बात है, वो बहुत उसकी तरफ चले गए। बहुत सारी चीजें होती है व्यक्ति के जीवन, लेकिन जब तक वो रहे राजनीति की दुनिया में, तो एक हम लोगों के लिए तो सब आदर्श ही थे, आज भी आदर्श। आज भी अगर आप पूछो हम लोगों के, कोई क्यों लगता है, मैं से बोलता हूँ कि नहीं, हमारा प्रतिनिधि वही हो सकता है, कृष्ण पटनायक जैसा व्यक्ति हो सकता है, वही जैसा व्यक्ति। आप सबको बहुत धन्यवाद, नमस्कार, कि आज कृष्ण जी को मैं इस रूप में याद कर सका, उनके साथ बिताए हुए समय को याद कर सका, ऊर्जा मिली, वो चीजें याद आई, क्योंकि तो सब समय इस रूप में याद नहीं रहती। इसलिए भी जनसुलभ के कार्यक्रम मुझे बहुत प्रिय, और मैंने शुरू में ही अर्पण जी को क्यों बधाई, ये चीजें जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिन व्यक्तियों की याद कर रहे हैं, करा रहे हैं, जिनसे हम भी कभी न कभी जुड़े रहे, दूर से, पास, बहुत निकट से, थोड़ा दूर से, उनको लेकर बहुत सारे मन में जाती। धन्यवाद अर्पण जी, कुछ अब और मेरे लिए, मुझे तो जो कहना था मैं कह चुका हूँ, और बहुत कुछ जो याद आया वो कह कह सका, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं विराम लेता हूँ, अब आप कुछ कहो। जी, बहुत ही अच्छी बातचीत रही प्रयाग जी, और तमाम मित्रगण इस बातचीत को सुन रहे हैं निश्चय ही। नमस्कार, जी नमस्कार। समझ रहे होंगे कि किस गहराई में जाकर प्रयाग जी ने किशन पटनायक जी के योगदान को, उनके व्यक्तित्व को हमारे समक्ष रखा। मित्रों, वे जिस प्रखरता के साथ समाज के लिए जरूरी कई कई विषयों पर निरंतर लिखते रहे, सभाओं को संबोधित करते रहे, छोटी बड़ी हर तरह की सभा, चुनाव और चुनाव से इतर तमाम सभाओं में वे यह कोशिश करते रहे कि किस तरह से जातिगत वैमनस्य हो, धर्मोन्माद हो, भ्रष्टाचार हो, यह सब हटे, समाज की जो ये बुराइयां हैं ये कमतर हों, और नैतिकता की बात राजनीति में खास तौर से जहां सत्ता है, जहां पावर है, वहां भी वे कितने सजग रहे। और पहले की भी वक्ताओं ने यह बात कही ही, और मित्रगण जानते ही हैं कि वह एक बार सांसद रहे और उसके बाद बहुत दिनों तक, काफी समय तक सांसद को मिलने वाले पेंशन को भी वे लेने में इच्छुक नहीं रहे,
बाद में मित्रों के आग्रह पर वे इस दिशा में आगे बढ़े। ऐसी कई महत्वपूर्ण किताबें हैं जिसमें समाज के हाशिए को वे संबोधित करते हैं और उनकी इच्छा होती है कि किस तरह समाज का एक समावेशी विकास हो सके, और वे यह भी गहराई से समझते रहे कि विकसित देशों की या पश्चिमी देशों की हम हूबहू नकल करने से बचें, क्योंकि उनकी संस्कृति, उनकी चुनौतियां अलग हैं, हमारी संस्कृति, हमारी चुनौतियां अलग है। हम जिस तरह से कई विविधताओं से भरा हुआ एक देश है, ऐसे में सबको साथ लेकर चलने की जो आवश्यकता है और जो हमारी अपनी गहरी संस्कृति है, भाषाई या बोलियों की, पहनावों की, विचारों की, धर्मों की, यह सब महत्वपूर्ण है, और इन सब के बीच हमें कोई राह निकालनी होगी। किसी अतिवाद की ओर वे कभी नहीं जाते हैं। मित्रों, बहुत अच्छा लगा कि हम लोग आज प्रयाग शुक्ल जी के माध्यम से किशन पटनायक जी के कुछ और पक्षों को गहरे समझ सके। आज की कड़ी को यहीं विराम देते हैं और अगली कड़ी में हम पुनः उपस्थित होते हैं और किशन पटनायक जी के कुछ और पक्षों से अवगत होते हैं। तमाम मित्रों का हार्दिक आभार जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और प्रयाग शुक्ल जी इन दिनों वाराणसी में हैं, वहां से गंगा के किनारे से इतने प्रसन्न मुद्रा में और इतने शांत होकर, बिल्कुल नदी का जो प्रभाव है उसमें भी गंगा जैसी नदी का वह हम देखते हैं और वहां से हम सभी को संबोधित कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा प्रयाग जी, आप समय निकाले आ सके, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। धन्यवाद, सबको नमस्कार।